अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में पार्ट वन में आपने यहाँ तक ये लेस डिज़ाइन देखी थी। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका पार्ट वन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहले आप पार्ट वन देखिए, यहाँ तक आप सीख जाओगे तो ईजीली आगे की डिज़ाइन फॉलो कर सकोगे। सो आगे की डिज़ाइन हम यहाँ ही से फॉलो करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया है और नीडल नंबर ली है 0 नंबर 1.75 mm की। वैसे पार्ट वन में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं तो प्लीज़ पहले आप पार्ट वन चेक करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ था। अब आगे के डिज़ाइन के लिए हमें यहीं से लेनी है 5 चैन। पहले हम ले लेंगे 5 चैन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 चैन लेने के बाद यहाँ पर हम ये जो हमारा डबल क्रोचेट है और ये है ट्रिपल क्रोचेट, तो डबल क्रोचेट के एंड पर यहाँ पर ये जो दो धागे हैं जिसमें मैं निडल डाल रही हूँ, ये देखें, ये दो धागों पर हमें पहले अटैच कर लेना है इस तरीके से। अटैच करके यहाँ पर हमारे पास राउंड बन गया। अब डबल क्रोचेट पर हमें इस तरीके से दो बार फिर से धागे दो उठा लेंगे और दो बार और स्लिप स्टिच ले लेनी है ताकि हम नीचे तक पहुंच सकें। अब यहाँ पर जो ये राउंड है, इस राउंड में भी हमें एक अटैच ले लेना है, अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट। अब ये सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम टर्न ले लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। ये जो 5 चैन का गैप हमने बनाया है इसमें हम टोटल 12 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। इसी तरीके से फिर से हम ले लेंगे आगे बढ़ने के लिए 5 चैन। 5 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे, नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड कर लेंगे ट्रिपल क्रोचेट की तरह। ये फर्स्ट गैप छोड़ देंगे और सेकंड गैप पर लेंगे हम ट्रिपल क्रोचेट, ये ऐसे। फिर लेंगे हम 1 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे हम ट्रिपल क्रोचेट, फिर लेंगे हम 1 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे हम ट्रिपल क्रोचेट। अब ऐसे ही हम 10 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। 10 टाइम्स इट मीन्स कि टोटल हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट 12 टाइम्स ली है लेकिन हमें ट्रिपल क्रोचेट सिर्फ 10 टाइम्स ही लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट ले लिए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये वाला जो राउंड है इसके थर्ड गैप पर, थर्ड पिकॉट पर, फर्स्ट पिकॉट, सेकेंड पिकॉट एंड थर्ड पिकॉट, थर्ड पिकॉट पर हम इस तरीके से निडल डालेंगे और यहाँ पर हम एक अटैच ले लेंगे, ये ऐसे। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है, 1, 2 एंड 3, थर्ड के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। अब हमें टर्न ले लेना है, फर्स्ट ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे और यहाँ से हमारी पिकॉट की डिज़ाइन स्टार्ट होगी। फिर हम लेंगे 3 चैन, अब अटैच के जो 2 धागे हैं उस पर हम नीडल डालकर इस तरीके से अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप के ऊपर सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर ये जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर अटैच कर लेंगे, फिर हम 3 चैन लेकर अटैच करके एक पिकॉट बना लेंगे,
फिर नेक्स्ट गैप पर अटैच कर लेंगे। फिर ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर पिकॉट बनेगा और गैप में अटैच होते जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से पिकॉट्स लेने के बाद अब फिर से हम दूसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से सेम इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करना है। 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद ये जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके एंड वाला यहाँ पर हमें दो धागों में से अटैच कर लेना है 5 चैन लेकर। फिर जो ये डबल क्रोचेट है इसमें हम दो बार स्लिप स्टिच ले लेंगे, 1 2। अब ये जो गैप है इस गैप में लेंगे हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट। अब हम टर्न ले लेंगे, टर्न लेकर 5 चैन के गैप में लेंगे हम 12 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6। टोटल इस गैप में हमें 12 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये टोटल 12 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लिए हैं। अब हमें लेनी है 5 चैन। 5 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे, निडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे। ये फर्स्ट गैप, यहाँ का फर्स्ट गैप छोड़कर सेकेंड गैप पर हम लेंगे ट्रिपल क्रोचेट। इस तरीके से फिर मैं लूँगी 1 चैन, फिर ट्रिपल क्रोचेट नेक्स्ट गैप में, और इसी तरीके से हम टोटल 10 टाइम्स यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे ट्रिपल क्रोचेट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल 10 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हमें फिर से जो हमारे पास राउंड दिख रहा है उसके थर्ड पिकॉट पर हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से थर्ड पिकॉट पर हमें अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हम टर्न लेकर फर्स्ट ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे और पिकॉट बना लेंगे। 3 चैन लेनी है और ये जो अटैच के दो धागे हैं इसमें नीडल डालकर इस तरीके से अटैच कर लेना है, और नेक्स्ट गैप में 1 चैन के गैप में हम अटैच कर लेंगे। फिर ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर पहले हमें सिंगल क्रोचेट लेना है, फिर हम लेंगे 3 चैन, और सिंगल क्रोचेट के जो दो धागे हैं उनमें हम नीडल डालकर तीनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 1 चैन का गैप है उस पर हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। अब ऐसे ही हम ये लाइन भी पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से लगता जाएगा जब आपकी लेस डिज़ाइन कंप्लीट होगी। वैसे आपने थंबनेल पर इसका फाइनल लुक देख ही लिया होगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक लेस डिज़ाइन है ये, और मैंने जिस वे में आपको बताया है बहुत ही सिंपल और ईजी सा तरीका है इसे बनाने का, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको ये लेस डिज़ाइन समझ में आई है या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।